हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज हम बनाने वाले हैं बनाना कस्टर्ड कप। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाना होगा, जिसके लिए एक बोल लें और इसमें डालें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर की कस्टर्ड यूज़ की है, आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ हमें कुछ दूध को बॉईल करना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने 500 से 600 ml के करीब दूध लिया है। और अब इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लें पहले। और दूध के बॉईल होने के बाद इसमें डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चीनी या फिर जितना भी मीठा आपको पसंद हो और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है। और अब इसमें डाल दें कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था, और इसे डालते वक्त इसे लगातार चलाते रहें और लो फ्लेम पर ही इसे मिलाएं। और कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना होगा या फिर तब तक जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ कस्टर्ड को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से थिक हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और अब इसकी बॉटम लेयर के लिए हमें कुछ बिस्किट्स चाहिए, जिसका हमें क्रम्ब बनाना है। तो यहाँ आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं अपनी पसंद की, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने सिंपल वाली बिस्किट का यूज़ किया है, आप डाइजेस्टिव बिस्किट या फिर कोई भी दूसरे फ्लेवर का बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। और अब इस बिस्किट के क्रम्ब को एक बोल में निकाल लें और उसमें डाल दें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर और इसे अच्छे से मिक्स कर दें इसके साथ। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इससे पहले भी मैंने एक गुलाब जामुन पिस्ताशियो कस्टर्ड कप भी बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये भी उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और अगर आपके पास कुछ और भी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाई या फिर कोई और फ्रूट्स, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ बनाना यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत सारे थे तो मुझे इसे ख़त्म करना था, तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। अगर आपके पास कोई और फ्रूट्स हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई है रेडी, और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे किसी भी ग्लास में सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी बोल में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे ग्लास में सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बिस्किट का क्रम्ब डालना है, तो आप 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डालें। और अब इसके ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड डाल दें और उसके बाद इसमें कुछ बनानास डाल दें। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा कैरमल डाल रही हूँ मैं, ये भी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ इसे भी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे गार्निश कर दें थोड़े से चॉप किए हुए नट्स से। तो हमारा बनाना कैरमल कस्टर्ड कप हो गया है रेडी। तो थी ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में होते ही हैं, और जो चीज़ें नहीं होती है उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ों से। जैसे अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो आप कोई और फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर कोई स्वीट डाल सकते हैं। सो आई थिंक ये छोटी सी और स्वीट सी रेसिपी उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे और बहुत कुछ घर में ना हो, और उस टाइम आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है।